ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਈ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿਚਨ ਅੱਜ ਡੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਜਿਹੇ ਪੱਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪੱਲੇ ਮਾਂ ਧੋਤੀ ਦਾਲ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਂ ਧੋਤੀ ਦਾਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਧੋਤੀ ਦਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਗੋ ਲਿਆ ਹੈ ਪੱਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਧੋਤੀ ਦਾਲ ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ दाल नू मैं छन्नी नाल छान के पानी नू अलग कर लिया है दाल ग्राइंडर जार विच पा के इसनू चंगी तरह ग्राइंड करांगे ते बिल्कुल फाइन ते स्मूथ बैटर तैयार करांगे थोड़ा जिहा पानी पा के इसनू ग्राइंड किया है तुसी देख सकते हो कि बिल्कुल फाइन बैटर तैयार हो गया है बैटर नू हुण बाउल दे विच कढ़ांगे हुण बैटर दे विच पावांगे एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार बारीक कटिया अदरक पावांगे अदरक पान नाल पल्लियां दा टेस्ट होर भी वधिया आंदा है ये ऑप्शनल है आप दी मर्जी है आप पाना चाहो ता थोड़ी जी सौंगी पावांगे अद्धा चम्मच लाल मिर्च पाउडर पावांगे अद्धा चम्मच खान वाला मिठा सोडा पावांगे इस नाल पल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं थोड़ा जिहा जीरा पावांगे सुके मसाले बैटर विच पान तो बाद मसालियां नू बैटर विच चंगी तरह मिक्स करांगे ते 15 मिनट लई साइड ते रखांगे ताकि बैटर विच चंगी तरह फैलाव आ जाए ते पल्ले बहुत ही वधिया ते सॉफ्ट बनन बैटर 15 मिनट लई साइड ते रखिया है दूजे पासे एक कढ़ाई विच सरसों दा तेल पाया है ते फुल फ्लेम ते गर्म रखिया है तुसी चाहो तां वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो तेल गर्म हो गया है हुण एक कटोरी लवांगे उस उत्ते एक वाइट मलमल दे कपड़े नाल उसनू कवर करांगे कपड़े नू पानी लगा के हल्का जिहा गिला करांगे ते बैटर कपड़े ते रख के उस विच छेद करांगे इस तरह पानी लगाने नाल बैटर कपड़े ते नहीं चिपकदा तुसी चम्मच नाल भी बैटर नू तेल विच पा सकते हो इस तरह बैटर एक एक करके तेल विच पांदे जावांगे ते पल्ले तलदे जावांगे बैटर तेल दे विच पाया है तुसी देख रहे हो कि पल्लियां दी शेप बिल्कुल बाजार वर्गी आई है हलवाई लोग भी इसे तरह ही पल्ले बनांदे हन पल्ले ब्राउन हो गए हन तुसी देख रहे हो कि पल्लियां दा कलर बहुत ही वधिया आया है सारे पल्लियां नू असी प्लेट दे विच कढ़ांगे पल्ले बन के बिल्कुल तैयार हैं पल्लियां नू तुसी दही विच पा के इसका मज़ा ले सकते हो पल्लियां नू एयर टाइट कंटेनर विच पा के तुसी फ्रिज विच स्टोर भी कर सकते हो तुसी भी इस रेसिपी नाल पल्ले बना के जरूर देखना आई एम श्योर कि मेरी ये रेसिपी आपनू जरूर पसंद आई होवेगी अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरी वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर करना मेरे चैनल नू सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना